खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां मंगलवार को देर रात हाईवे पर गौवंश भरा ट्रक पकड़ा गया। मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार आरोपी एक ट्रक में 14 गायों को लेकर मिर्जापुर हाईवे से जा रहा था। सीसी अतुल सिंह ने अपनी टीम के साथ मिर्जापुर हाईवे पहुंचकर ट्रक में सवार तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उक्त मामले पर विदिशा सीएसपी अतुल सिंह का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, साथ ही बाकी के तीन व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा ध्रुव चतुर्वेदी का कहना है कि हम लोग मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से इसके लिए सख्त और कठोर नियम बनाने की मांग करते हैं, ताकि इस प्रकार की तस्करी बंद हो। विदिशा से अजय सिकलवार की रिपोर्ट। दरअसल में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अशोक लीलैंड की पिकअप वाहन जो है कुछ जानवरों को लेके जा रही है, गाय वगैरह हैं, गौवंश था, तो उस पर हम लोग पहुँचे और सूचना पर कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को डिटेन किया गया और एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। गौ तस्करी की गाड़ी अशोक लीलैंड की, छोटा मिनी ट्रक और 14 गौ माताओं को बड़ी क्रूरतापूर्वक बांध कर भर कर तस्करी करते हुए सागर रोड से ले जा रहा था, जिसकी हमें सूत्रों के अनुसार खबर मिली और हमने उसके मौके पर जाकर चलती गाड़ी को पकड़ा और चाबी निकाल के, जो कि हमें वो कट भी मारा था उसने, इससे हम लोग बच गए, तो उसको हमने पकड़ा भारी मात्रा में। उसके बाद फिर पुलिस के इधर थाने में लेके आए हैं। इस पर पुलिस ने ये FIR पशु क्रूरता अधिनियम निवारण के तहत 11 और ये जो भी अधिनियम लगाए हैं 4-5 प्रकार के,